क्या आपका पेशाब भी रुक रुक कर आता है? क्या आपको लगता है कि आप खुलकर पेशाब नहीं कर पा रहे हैं? अगर आपके साथ भी ऐसा है तो ये आपके लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। जी हाँ, आपको यूरिन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं और गंभीर इन्फेक्शन के शिकार भी हो सकते हैं। ऐसे में आपको समय रहते सावधान और सतर्क हो जाना चाहिए। साथियों, अगर आपको टॉयलेट जाने पर रुक रुक कर पेशाब आता है, पेशाब करते समय जलन होती है और ज्यादातर रात में ही पेशाब आता है, तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रुक रुक कर पेशाब आना किस गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। साथियों, अगर आपको रुक रुक कर पेशाब आ रहा है तो आपको प्रोस्टेट थैली में इन्फेक्शन हो सकता है। पुरुषों में मूत्राशय के ठीक नीचे एक छोटी सी ग्रंथि होती है, जिसे प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। ये वीर्य द्रव पैदा करने का काम करती है और उस नली से जुड़ी होती है जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर निकालता है। युवा आदमी का प्रोस्टेट लगभग एक अखरोट के बराबर होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिसके कारण प्रोस्टेट थाली में इन्फेक्शन या कैंसर जैसी समस्याएं होना आम बात है। वहीं पेशाब का रुक रुक कर आना या पेशाब करते समय जलन होना और ज्यादातर रात के समय बार बार पेशाब आना प्रोस्टेट थाली में इन्फेक्शन या फिर कैंसर का लक्षण हो सकता है। ऐसे में अगर आपको भी इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो समय रहते इसकी जांच जरूर करा लें। रुक रुक कर पेशाब आने की समस्या में आपको किडनी इन्फेक्शन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है, लेकिन जब आप पेशाब करने की कोशिश करते हैं तो पेशाब थोड़ा या रुक रुक कर आता है या आता ही नहीं, तो ये किडनी में इन्फेक्शन की ओर इंडिकेशन हो सकता है। ऐसा होने पर कई बार पेशाब करते समय दर्द या हल्की जलन भी महसूस हो सकती है। इसके अलावा किडनी में पथरी बनने के कारण भी टॉयलेट रुक रुक कर आने लगता है। दरअसल पथरी का आकार एक छोटे मोती से लेकर मुट्ठी जितना बड़ा हो सकता है। वहीं किडनी स्टोन होने पर कई बार छोटे छोटे पत्थर मूत्र नली को अवरुद्ध कर देते हैं, जिसके चलते एक तरह की समस्या हो सकती है। आप डायबिटीज के भी शिकार हो सकते हैं। रुक रुक कर या बार बार पेशाब आना डायबिटीज यानी कि मधुमेह का शुरुआती लक्षण भी हो सकता है। शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ने के कारण व्यक्ति को बार बार पेशाब से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में समय रहते इसकी जांच कराना बेहद जरूरी है। दोस्तों, रुक रुक कर पेशाब आने की समस्या में आपको यूटीआई की परेशानी हो सकती है। इस सब के अलावा यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण भी आपको पेशाब रुक रुक कर आने की समस्या हो सकती है। ऐसी स्थिति में समय रहते इसकी जांच करा लें, किसी एक्सपर्ट से अपना इलाज कराएं और लंबे समय तक यूटीआई सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको यूरिन की ये समस्या है तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। अगर आपने इस समस्या में लापरवाही बरती तो ये समस्या आपके लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ऐसे में सावधान रहें, सतर्क रहें और जितना जल्दी हो सके इस समस्या से निजात पाएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करें और इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।